नमस्कार, एक बार थर्ड आई में आपका फिर स्वागत है। आज हमारे साथ देश के एक वरिष्ठ राजनेता यशवंत सिन्हा साहब हैं। यशवंत सिन्हा साहब के परिचय मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये परिचय सबको पता है, लेकिन एक बात याद दिला दे रहा हूं सबको कि ये बहुत इन्हें गिने, मेरे ख्याल में, मेरी याद में तो ऐसे बहुत कम लोग हैं। ये सर्विंग आईएएस थे, इनकी नौकरी बाकी थी, एक अच्छी खासी नौकरी 10-15 साल की बाकी थी, और उस समय शायद जयप्रकाश नारायण का आंदोलन से इतने प्रभावित हुए और देश की हालात से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया। और उस समय इन्होंने कोई रूलिंग पार्टी की पॉलिटिक्स नहीं की, इन्होंने अपोजिशन की पार्टी ज्वाइन की और उस पार्टी उस तरह की पॉलिटिक्स की है। हालांकि हाल के दिनों में इन्होंने एक बार फिर इस्तीफा दिया है भाजपा से, उसके बारे में हम लोग जब बात करेंगे तब करेंगे। यशवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस थर्ड आई में। मैं शुरू करूंगा, आप सब लोग, आप आपातकाल के समय, आप तो उस समय नौकरी में थे, और एक बड़ा कारण शायद आपको छोड़ने का वो आपातकाल से पहले का जेपी और आपातकाल के समय और उसके बाद, और 84 में आपने छोड़ा। आपको कभी कभी लगता है जो वो आपातकाल था और अभी देश में जो स्थिति है उसमें कुछ रिजेम्बलेंस है? ये अनकॉल्ड कोई एक क्या इमरजेंसी अनडिक्लेयर्ड है? आज की जो इमरजेंसी है वो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, और अनडिक्लेयर्ड इसलिए है कि जब इंदिरा गांधी के हारने के बाद 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उन्होंने पहला काम ये किया कि जो हमारा संविधान है उसमें संशोधन किया, और देश में इंदिरा गांधी टाइप की इंटरनल इमरजेंसी जो लगाने की प्रक्रिया थी उसको इतना मुश्किल बना दिया है कि अब शायद किसी भी रेजीम के लिए, रूलर के लिए, उस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाना संभव नहीं होगा। लेकिन आज जो रेजीम है मोदी जी की, उसने प्रूव कर दिया कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, और इसलिए देशवासियों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि अब भविष्य में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी से कैसे बचें। जी, एक तो सबसे बड़ी बात थी इमरजेंसी में, जो पहली चीज़ थी, बाकी मैं अभी आर्थिक चीज़ों पे आपसे बाद में आऊँगा जिसमें आपकी विशेषता है, कि अपनी बात कहने में दिक्कत थी। कल कुछ बच्चों ने कहा है, आप सोशल मीडिया पे कुछ बच्चे गाली दें तो उनको बिल्कुल उनके गिरफ्तार करी मारी पीटी है, लेकिन अगर मेरा आपसे विचार अलग है तो आप मुझे जेल में डाल दे रहे हैं। आप, ये अजीब सी एक स्थिति है, पेपर में भी लिखने में हमें डर लगता है कि भाई कल के दिन कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए जो आज टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, एक्सप्लोजन हुआ है एक तरह से, तो उसका इस्तेमाल कर रही है सरकार निगरानी करने के लिए, सर्वेलेंस के लिए, और ये बहुत ही एक दुखद बात है कि अब तो इंटरनेट, ये जो हमारा लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसके अंदर भी घुस जाएंगे, टेलीफोन में पहले से घुसे हुए हैं, तो एक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, और किसी भी स्टेट के लिए ये एक खतरनाक चीज़ है, क्योंकि वो जानते हैं हमारे प्रेफरेंसेस क्या हैं, कैसे है, आधार का एक बड़ा भारी डेटाबेस उनको उनके पास है, मिल गया है, तो इसका इस्तेमाल वो चुनाव में मुख्य रूप से करेंगे, उनके मन को बदलने के लिए वोटर्स के, और एक तो उनके ऊपर निगरानी रखने का काम तो हो ही रहा है। तो इसलिए पहले जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी उसका, उससे हम इसको दो माने में भिन्न मानते हैं आज की इमरजेंसी को। नंबर एक कि 75-77 के बीच में टेक्नोलॉजी का उतना विकास नहीं हुआ था, अब टेक्नोलॉजी जो है उसका दुरुपयोग करके वो हमारे बेडरूम में घुस रहे हैं, और दूसरा जो था वो ये था कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी जो थी वो प्योरली पॉलिटिकल इमरजेंसी थी, इस बार की इमरजेंसी जो है वो कम्युनल है, इसमें बड़ा भारी इनपुट है कम्युनलिज्म का, सांप्रदायिकता का, और ये एक बहुत खतरनाक चीज़ है जैसा हम देख रहे हैं हमारे देश में जो घटनाएं घट रही हैं। तो कम्युनलिज्म के साथ अगर आप छद्म नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को जोड़ देते हैं और ये सब करते हैं,
तो एक अजीब माहौल पूरे मुल्क में आप बनाते हैं जो प्रजातंत्र के लिए भी खतरनाक है और देश के भविष्य के लिए भी खतरनाक है। आपने जैसे यशवंत जी आपने बहुत साफ साफ कहा है कि अब आप एक्टिव पॉलिटिक्स से एक तरह से संन्यास लिए हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये जो मुरली मनोहर जोशी जी हैं, आडवाणी जी हैं, ये सारे लोग, आप सब लोग इतने सीनियर लोग हैं जो विचारधारा को प्रभावित कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आडवाणी जी को भी उससे और मुरली मनोहर जोशी को आप नहीं कहते, आपके पुराने साथी रहे हैं, कि भाई निकलिए और देश आपको आज एक बार कोशिश कर रहा है कि आप कहीं खड़े हों, आप देश को मार्गदर्शन करें। निराशा का एक वातावरण पार्टी में शुरू हो गया जब पार्टी दो लोगों की गिरफ्त में आ गई, प्रधानमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष, जो दोनों एक ही राज्य के हैं, पुराने साथी हैं। एक दफ़ा ऐसा भी मौका आया जबकि आपको याद होगा आडवाणी जी, जोशी जी, शांता कुमार जी और हमने, चार लोगों ने मिलकर एक बयान जारी किया था, उससे बहुत हलचल मची थी देश की राजनीति में। लेकिन फिर हमें लगा कि इन लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं कोई दबाव पड़ा, क्योंकि उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट जो था वो हम लोग नहीं इशू कर पाए, और मुझे निराशा हुई। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि मेरी बातचीत इन नेताओं के साथ नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव है, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी घेरे में हैं जिसके चलते वो खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। और मैंने अपने को किसी घेरे में महसूस नहीं किया, मैं स्वतंत्र बराबर रहा, और इसलिए मैं स्वतंत्र होकर अपनी बात कहता रहा पार्टी में जब था उस समय भी, और जब मुझे लगा कि अब पार्टी से बाहर निकलना चाहिए अपनी बात को और ज़्यादा विश्वसनीयता देने के लिए, तो मैंने पार्टी छोड़ दी। आपने एक बात कही जिसको मैं उसको भी स्पष्ट कर दूं कि आपने कहा कि मैंने राजनीति से संन्यास ले लिया है, नहीं, मैंने पार्टी पॉलिटिक्स से संन्यास लिया है, मैंने चुनावी राजनीति से संन्यास लिया है, लेकिन साथ साथ मैंने ये भी कहा है कि जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर मैं अपनी आवाज़ उठाता रहूँगा, अपने विचार देश की जनता के सामने रखता रहूँगा। यानी आपके लड़के जो हैं इस कैबिनेट के पार्ट हैं, और आपके लिए ज़्यादा मुश्किल है ये स्टैंड लेना, आप उससे कैसे उबर पाए? मतलब आपका भी आपका पुत्र था, क्वालिफाइड पुत्र है। बहुत फख्र है अपने लड़के जयंत के, जो भी उसकी उपलब्धियाँ रही हैं जीवन में। और जयंत को पार्टी ने हमारी जगह पर जब मैंने मना कर दिया था तो उनको लड़ाया, और वो बहुत वोट से 2014 में जीते, फिर यहाँ पर केंद्र में उन्हें मंत्री बनाया गया। तो मैं ज़रूर इस बात को महसूस करता हूँ कि मैं जो अभी मेरा जो व्यवहार है, आचरण है, उससे जयंत को कहीं ना कहीं क्षति पहुँच रही है, न केवल पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर, बल्कि जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र रहा है और आज उनका निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ भी कुछ तो कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि भाई बाप एक भाषा बोल रहा है, बेटा दूसरी भाषा बोल रहा है, क्या है। लेकिन एक बात जो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा वो ये है कि मुश्किल था जब मैंने सोचा कि मैं अपनी बात रखूँ और मैं अब चुप नहीं रहूँगा, तो मुझे मुश्किल ये महसूस हुई, लेकिन मुझे लगा कि मुझे राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए इस बात को कहना ज़रूरी है, अपनी चुप्पी तोड़ना ज़रूरी है। और फिर दूसरी बात कि एक ही परिवार के सदस्य अगर वो वयस्क हैं तो उनके अपने विचार हैं और वो अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो आज हम लोग यही कह के संतोष करते हैं कि भाई ठीक है, विचार अलग अलग हैं, ठीक है। नोटबंदी के बारे में मैं एक स्पष्ट और सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे एक्सीडेंट होता है तो एक परमानेंट डिसेबिलिटी होती है और एक टेम्प्ररी डिसेबिलिटी होती है। तो एक परमानेंट, भाई एक पैर कट गया, हाथ कट गया, आधी आँख चली गई। नोटबंदी इस देश में, इस देश की उसने एक अर्थव्यवस्था को क्या परमानेंट डिसेबिलिटी टाइप कुछ समस्याएँ की हैं कि वो टेम्प्ररी फेज है, टेम्प्ररी डिसेबिलिटी है, बाद में आपको लगता है कि ये ठीक हो जाएगा? वित्त मंत्री के आपके जो एक्सपीरियंस है उसके नाते भी मैं पूछ रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि जो डैमेज हुआ है, जो क्षति पहुँची है नोटबंदी के चलते, वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी।
अभी नोटबंदी के कितने दिन हुए? दो साल हो गए, दो साल से थोड़ा ऊपर हुआ, 26 महीना। और हमें लगता है कि कुछ और समय बीतेगा तो क्षति हो जाएगा। आपने कहा कि आँख खराब हो गई या हाथ कट गया, एक उस तरह की क्षति होती है, और एक क्षति होती है कि हमको चोट लगी लेकिन धीरे धीरे करके घाव भर गया। तो मैं कहूँगा कि नोटबंदी वो उस प्रकार का, जैसे हड्डी का टूटना, वो हड्डी टूट गई लेकिन धीरे धीरे करके फिर जुड़ गई। हाँ, लेकिन कभी कभी टेढ़ी भी जुड़ जाती है। हाँ, कभी कभी टेढ़ी भी जुड़ती है, लेकिन अभी वो जो एक एक क्षति पहुंची, जो हानि हुई, उस हानि की भरपाई अब नहीं हो पाएगी कभी भी, वो परमानेंट हानि हो गई। अब अगर IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट का बयान आता है, मनमोहन सिंह जी के बयान को सपोर्ट करते हुए, दो साल के बाद, कि नोटबंदी के चलते हमारे ग्रोथ रेट में 2% की गिरावट आई, तो ये कोई पॉलिटिकल बयान नहीं है, इस पर विश्वास करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि शायद 2% से ज़्यादा ही गिरावट आई, क्योंकि उस गिरावट का आकलन अभी तक नहीं किया गया है, और सरकार करना भी नहीं चाहती है, क्योंकि उसकी बदनामी होगी। लेकिन क्षति हो गई, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक किसान ने हमसे कहा कि मैं अपने संतरे का बाग बेचना चाहता था, इसी बीच में नोटबंदी आ गई, तो मैं सोच रहा था कि मुझे 3 लाख मिलेंगे, मुझे 1 लाख में बेचना पड़ा, तो 2 लाख की क्षति उसकी हो गई, और वो भरपाई कभी नहीं होगी, तो वो एक परमानेंट क्षति उसकी होगी कि 2 लाख रुपया उसको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। लेकिन जहाँ तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उसका जो उसमें जो वृद्धि होती है, तो वो धीरे धीरे करके उसकी भरपाई होगी। एक और चीज़ जो रफाल आज की तारीख में एक बहुत बर्निंग टॉपिक हो गया है, राहुल गांधी जी उसको लेके उनको लगता है कि उनको एक अमोघ अस्त्र मिल गया है जिससे वो मोदी जी को अस्त व्यस्त कर देंगे, और कहीं एक कुछ लोग उसको इक्वेट कराना चाहते हैं बोफोर्स से, कि भाई यहाँ रफाल हुआ था, वहाँ बोफोर्स हुआ था, मतलब ये कि मैंने भी चोरी की, आपने भी चोरी की, तो हम दोनों लोग ठीक थे। आपको क्या लगता है रफाल की जो स्केल है, और जिन लोगों को, जैसे उद्योगपतियों को लाया गया, और जो बोफोर्स का मामला था वो एक जगह था कि भाई एक जगह कहीं घूस ली गई या दी गई थी, दोनों में कितना कितना कॉमनलिटी है? देखिए, एक तो ये है कि बोफोर्स जब हुआ था तो 64 करोड़ की बात होती थी कि 64 करोड़ नाजायज पैसा बनाया गया, और वो रकम अभी तो बहुत छोटी लगती है। उसके बाद बिहार का चारा घोटाला हुआ तो लोगों ने कहा 10,000 करोड़, फिर 2G घोटाला हुआ, ये वो हुआ तो 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, तो स्केल बदल गया। रफाल में पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हम लोग एक मामूली रिक्वेस्ट लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट, अरुण चौरी, आप, प्रशांत भूषण और मैं, और हमारा रिक्वेस्ट क्या था कि भाई हमने CBI के पास अपनी अर्जी दाखिल की और उनसे कहा कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि देयर इज़ ए प्राइमा फेसी केस, वो नहीं कर रहे हैं तो आप उनको आदेश दीजिए कि वो करें, पूरा केस लॉ वगैरह सब कुछ हम लोगों ने उसमें साइट किया। हमने ये नहीं कहा था कि पूरे रफाल सौदे का उसमें, और जिस तीनों प्रक्रियाओं पर आपने जो ये किया उसके लिए हम लोग नहीं गए थे, और लोग गए होंगे लेकिन हम लोग नहीं गए थे। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से घोर निराशा हुई हम लोगों को, घोर निराशा इसलिए हुई क्यों कहते हैं कि कीमत देखना मेरा काम नहीं है, लेकिन फिर कीमत देखा और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई। फिर वो कहते हैं कि हम सरकार को नहीं कह सकते कि 126 विमान तुम खरीदो, 128, और इसमें हम नहीं जाएंगे, फिर वो कहते हैं कि नहीं सारी प्रक्रिया ठीक थी। फिर वो ऑफसेट के बारे में जो तर्क हम लोगों ने दिए थे उसके बारे में बिल्कुल उन्होंने जो लगता है तथ्यात्मक दृष्टिकोण से गलत उनका फैसला है वो उन्होंने दिया, और सबसे जो बड़ी बात थी वो थी कि उन्होंने ये जो प्राइस, हाँ नहीं, प्राइस को लेकर उन्होंने जो कहा कि CNAG नहीं, कि कंट्रोलर ऑटर जनरल का रिपोर्ट आ गया,
वो रिपोर्ट पीएसी ने देख लिया और पीएसी का रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में आ गया, ये जब हुआ ही नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा अंग्रेजी का ज्ञानी है जो कि इसको हैज बीन करता है, समझ लेता है। अच्छा, दूसरी बात कि बंद लिफाफे में था, हम लोगों ने उसको नहीं देखा, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे थे, कर ही नहीं सकते थे क्योंकि बंद लिफाफे में था। और बंद लिफाफे में जो तथ्य दिखाए गए उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी करे और कहे कि हम सब मान गए, तो ये तो एक तरफा बात हो गई ना। तो खैर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रक्रिया थी, अगर बंद लिफाफे में सरकार ने प्रक्रिया बताई, वो प्रक्रिया भी गलत है, क्योंकि मैं खुद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सदस्य रहा हूँ, डॉक्टर जोशी जब उसके चेयरमैन हुआ करते थे पिछली रेजिम में, यूपीए में, तो सीएजी का रिपोर्ट फाइनलाइज होता है, सीएजी का रिपोर्ट फिर पार्लियामेंट में पेश होता है, फिर वो ऑटोमेटिकली चला जाता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बैठक में फिर तय होता है कि हम किस सीएजी के किस रिपोर्ट को ज़्यादा डिटेल्ड एग्जामिनेशन के लिए सेलेक्ट करेंगे, ये पीएसी तय करती है, और तब उसकी वो प्रक्रिया शुरू होती है एग्जामिनेशन की, और एग्जामिनेशन अगर उन्होंने करके फिर वो रिपोर्ट देते हैं पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट में रिपोर्ट का कौन सा हिस्सा जाना चाहिए, कौन सा गोपनीय रखना चाहिए, ये पीएसी तय करेगी, ये सरकार नहीं तय करती है। तो वो प्रक्रिया का जो इन्होंने जिक्र किया, वो प्रक्रिया भी गलत थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रक्रिया को ना केवल सही मान लिया बल्कि होने वाला है उसको हो चुका भी मान लिया। एक और एक ऐसा आपसे विचारक वाला क्वेश्चन है, क्योंकि एक हम लोगों को कष्ट होता है, मैंने जैसे अपनी ऑफिस में पीछे गांधी जी की बड़ी फोटो इधर लगा दी पिछले 4-5 साल से, मानता था घर में लगती थी, क्योंकि मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि अब मैं थक गया हूं कि गांधी के विचार को जिस ढंग से आज की तारीख में अटैक किया जा रहा है, और गांधी को नहीं, नेहरू को भी, जो लोगों की अपनी राय हो सकती है, लेकिन इस देश जो आर्किटेक्ट थे और जो देश जहां खड़ा है उसमें नेहरू के बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वैचारिक रूप से हम लोग अलग हो सकते हैं, इन दोनों लोगों के ऊपर जितना हमला हो रहा है उस पर आपको कभी कभी नहीं लगता है कि सबको, सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, राम मंदिर छोड़ दीजिए, नोटबंदी छोड़ दीजिए, वैचारिक जो हमला हो रहा है उसमें कहीं आपको खड़ा होना चाहिए? नहीं, उसमें खड़ा होना चाहिए, और जो वैचारिक हमला हो रहा है वो अत्यंत ही दुखद है, क्योंकि उसमें तो फैक्ट्स का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। लेकिन पंडित नेहरू फ्रीडम फाइटर थे, सब कुछ थे, देश को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसको कहने में हमें कहीं भी तनिक संकोच नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि नेहरू, गांधी को डिफेंड करने की जिम्मेदारी सबके ऊपर है। नेहरू चूंकि कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे तो ज़्यादा जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के ऊपर है कि वो नेहरू को डिफेंड करें। उन्होंने पटेल को कैसे डिफेंड किया? पटेल को तो मोदी ने हथिया लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कर पा रही है जी? तो इसलिए जो आइकॉन्स हम लोगों के प्री इंडिपेंडेंस के थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस के थे, उनको धीरे धीरे करके ये अपनी तरफ अपना बना रहे हैं, और ये मुझे लगता है कि इसको क्या कहा जाए, इट्स लाइक चाइल्ड लिफ्टिंग। हाँ, दूसरे के बच्चे को अपना बना लिया, दूसरे के पिता को अपना पिता बना लिया, ये कहीं ना कहीं थमना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये तो फासिज्म का नारा है ना, उसी तरह मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा क्रिटिक रहा हूँ लगातार, और पिछले 2004 से 2014 तक जब मैं संसद में था तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने वालों में पहले रैंक में था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं व्यक्तिगत इसको नहीं मनाऊंगा, व्यक्तिगत कोई आक्रमण नहीं करूंगा किसी के ऊपर, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं सो हैं। और ये बात मैंने अपने पहले नेता चंद्रशेखर जी से सीखा कि भाई कोई भी कितना भी व्यक्तिगत रिश्ता आपका खराब क्यों ना हो,
नहीं पॉलिटिकल रिश्ता खराब क्यों ना हो, व्यक्तिगत रिश्ते के ऊपर इसका मत असर आने दीजिए और एक मर्यादा को हर मर्यादा को ध्यान में बराबर रखिए। तो वो तुरंत पहुंच जाते थे, कितने भी उनको इंदिरा गांधी ने उनको जेल में डाल दिया, लेकिन वो कोई भी बात होती थी इंदिरा गांधी के साथ खड़े नजर आते थे। और किसी भी लीडर, ये तो अक्रॉस, मतलब वो कोई भी लीडर हो, कोई भी लीडर हो उसके साथ, क्योंकि सब लोग देश की बात कर रहे हैं ना। लेकिन आजकल एक जैसे आप इशारा कर रहे थे कि मान लीजिए कि मैं प्रेजेंट रेजिम को क्रिटिसाइज करता हूँ तो मैं एक नंबर देशद्रोही हो गया, हिंदू विरोधी, एंटी हिंदू हो गया। उसके बाद सबसे जो बुरी बात है वो है कि मैं प्रो पाकिस्तान हो गया। बिल्कुल, आप प्रो पाकिस्तान हैं जी, बिल्कुल। इनको क्रिटिसाइज करने का मतलब कि प्रो पाकिस्तान आप हो गए। अल्टीमेट गाली जो दिया जाता है वो ये कि ये तो पाकिस्तान की तरफ हो गया। तो ये क्या माहौल है? मैंने पब्लिक डिस्कोर्स का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। मनीष शंकर ये अपने घर में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री को खाने पर बुलाते हैं, उसमें कुछ लोगों को बुलाते हैं, बल्कि उन्होंने मुझे ही बुलाया था। मैं कहीं गिरफ्तार हो गया था मध्य प्रदेश में तो मैं नहीं आ पाया। मैं यहाँ होता तो मैं ज़रूर जाता, क्योंकि वो जो विदेश मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री हैं, वो मेरे भी मित्र हैं। अब उसमें मनमोहन सिंह जाते हैं, दूसरे लोग जाते हैं, तो गुजरात के चुनाव में ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के साथ मिलकर हमको हराना चाहते हैं। बताइए, और देश की जनता क्या स्वीकार करती है इसको? देश की जनता को इसको मजबूती के साथ अस्वीकार करना चाहिए कि ये गलत बात है। बिहार में अभी जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ और जिस ढंग से इन लोग तीन जगह चुनाव हारे और फिर नीतीश जी को 2 सीट से 17 सीट दे दिए हैं, तो आपको लगता है ना कि ये कहीं ये जो प्रबंधक है उसके प्रबंधन में भी कहीं ना कहीं कुछ ढील या कुछ नया आया है? नहीं, वो 2 की जगह 17 दे दिया और इधर 22 को घटाकर 17 कर दिया। ये भी तो देखना है कि 22 का मतलब ये हुआ कि सिटिंग लोगों के 5 सीटिंग जो है उनका टिकट कटेगा। पता नहीं कितने कितने का और कटेगा, कितने नए लोग आएंगे, लेकिन 5 तो निश्चित कटेगा जी। तो किस प्रकार का समझौता है मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने भी बहुत इंटर पार्टी नेगोशिएशंस किया है। और उसमें एक जो सिद्धांत होता है वो ये होता है कि भाई सिटिंग गेटिंग, कि हमारा अगर उम्मीदवार जीता है वहाँ से, MP है, MLA है, तो उसको आप सीट हमको दे देंगे। अब कैसे नेगोशिएशन हुआ, कितनी मजबूती के साथ भाजपा ने अपने आप पक्ष रखा, क्यों ये समझौता किया, ये मुझे लगता है कि अंततः कमजोरी का परिचायक है, एक पैनिक का भी परिचायक है कि भाई हमारे कुछ सहयोगी छोड़कर जा रहे हैं तो कुछ भी करके अपना सैक्रिफाइस करके अपने सहयोगी को साथ रखो। चलते चलते अंतिम क्वेश्चन, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने जिनके साथ अपनी राजनीतिक पारी शुरू की उनका नाम ही अध्यक्ष जी था। मतलब अगर उनको कहीं भी कोई पूछे कि अध्यक्ष जी कहाँ, वो अध्यक्ष हो चाहे ना हो लेकिन उनको अध्यक्ष जी के नाम से ही रेफर किया जाता था। बाद के दिनों में बहुत दिनों बाद अपनी पार्टी के अध्यक्ष मतलब नहीं भी थे, और वो तो उन वो गुण थे कि ये था कि वे अध्यक्ष वाले हैं, जैसा आपने बताया ऑल पार्टी अक्रॉस द लाइन। आपको अभी नहीं लगता है जो नई रिजीम आई है, नीतीश जी ने एक प्रबंधक बड़े प्रशांत किशोर को सौंप दी है अपनी पार्टी, भाई वो जैसे चाहे वो चलाएं, एक इधर सौंप दी गई है अमित शाह जी की जो जो क्वालिफिकेशन जिसकी मैं भी इज्जत करता हूं, वो एक ही एक बहुत अच्छे प्रबंधक है, एक्सेलेंट इलेक्शन मैनेजर, साम दाम दंड भेद, डरा के धमका के कुछ भी करके वो पार्टी को मतलब जिसको कहते हैं डिलीवर करा देते हैं प्राइवेट सेक्टर में, जो माना जाता है कि आप एंड जस्टिफाइज द रिजल्ट, गांधी जी वाली बात नहीं। आपको कभी अजीब अजीब नहीं लगता है कि एक कहां से आपने शुरू किया जहां अध्यक्षीय गुण होना जरूरी था, एक उसके पास विजन होना चाहिए, उसके पास सब लोगों को साथ लेके चलने की हिम्मत और ताकत होनी चाहिए, अब जो प्रबंधक लोग आ गए हैं जो सो कॉल्ड अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, इन दोनों के बीच करके हम लोग और चंद्रशेखर जी के बारे में कुछ नहीं? चंद्रशेखर जी आपने जैसा कहा कि बराबर ही अध्यक्ष जी के नाम से जाने जाते रहे, और वो इसलिए कि एक पर्याय बन गया, चंद्रशेखर का मतलब अध्यक्ष, अध्यक्ष का मतलब चंद्रशेखर, तो उन्होंने अपनी वो पहचान बनाई थी और अंत तक रही। और मैंने अभी बताया आपको कि अक्रॉस द पार्टी लाइन्स उनकी अपील थी, संसद में अगर एक अपनी पार्टी के और प्रतिनिधि थे तब भी वो खड़े होते थे, तो सारा सदन
खामोशी से उनकी आवाज़ को सुनता था, तो ये एक उनकी पर्सनालिटी का कमाल था कि वो उनको इतनी इज्जत मिलती थी। अब मैं किसी के बारे में ऐसा नहीं समझ सकता हूँ कि कोई इतना इतनी इज्जत कमांड करता है, इतना रिस्पेक्ट कमांड करता है। तो वो एक बात हुई। दूसरी बात जो है प्रबंधन की, जो बात आपने की, तो फिर मैं टेक्नोलॉजी की तरफ जाऊंगा कि टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ जो चुनाव प्रबंधन है उसका भी बहुत विकास हुआ है, और चुनाव प्रबंधन अपने आप में कला हो गई है। ठीक है, मैं भी अगर इसके पहले चुनाव लड़ता था तो कोशिश यही करता था कि मैक्सिमम प्रबंधन के साथ चुनाव लड़ूं, जिससे कम से कम संसाधन के साथ भी, संसाधन की कमी हाँ, नहीं नहीं, और उसमें बूथ कमेटी हो तो ये हो तो वो हो सब कुछ। तो एक तो वो नेसेसरी डेवलपमेंट उसका आप कहिए कि आवश्यक रूप से टेक्नोलॉजी के विकास के चलते, सोशल मीडिया के चलते प्रबंधन जो है वो काफ़ी टेक्निकल हो गया है, लेकिन उसके साथ ही साथ टेक्निकल हो जाए अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसमें दोष पैदा किया जाए तो वो ठीक नहीं है। जैसे पैसे का खेल, अब किसी के पास इतना अफरात पैसा हो जाए कि आप एक कार्यकर्ता के रूप में जाएं और जहां सामान्य परिस्थिति में हम उनको 100 रुपया देंगे, आप उनको 10,000 रुपया दीजिए, कहाँ भाई जाओ मौज करो आज के दिन, फिर दूसरे दिन आओगे तो फिर 10 हजार देंगे, तो ये प्रबंधन नहीं है, ये दुरुपयोग है आपकी जो वित्तीय ताकत है उसका। और इसी वित्तीय ताकत के साथ साथ फिर जो दूसरे प्रकार की ताकत है कि आप सरकार में हैं तो सरकारी तंत्र आपके कंट्रोल में है, या गुंडा तंत्र आपके कंट्रोल में है, उसका अगर आप उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं तो वो बहुत चिंता का विषय है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, प्रबंधन जो आप कह रहे हैं, जिनको मास्टर प्रबंधक आप मान रहे हैं, जी, जी। उनके आर्मरी में ये तीनों चीज है। खाली वो टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रबंधन नहीं है, ये भी है। मैं बात कर रहा था अध्यक्ष होने की। अध्यक्ष जो आज होता है, पहले भी होते थे, भाजपा में भी बहुत से तमाम अच्छे प्रबंधक रहे, प्रमोद महाजन जी बहुत अच्छे प्रबंधक, लेकिन वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं होते थे। अध्यक्ष का मतलब थोड़ा विजन, सबको साथ ले चलने की हिम्मत, थोड़े सॉफ्ट, विनम्रता, ये सारी चीजें जो थी वो गुण होने चाहिए थे। थोड़ा पढ़ा लिखा, थोड़ा नहीं, अच्छा पढ़ा लिखा। अब आप यही देखिए कि यहाँ अध्यक्ष होने के पहले वो श्रीमान जी जो हैं वो क्या थे, मैक्सिमम ऊंचे से ऊंचे पद जिस पर वो पहुंचे थे वो था मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक राज्य में वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे जी, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी के प्रिय पात्र थे इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए जी। लेकिन अब वो है क्या कि उस पार्टी में एक आदमी जब वहाँ पहुँच गया तो सब लोग फिर उसकी प्रशंसा और खुशामद में लग जाते हैं, तो उन्होंने अर्न नहीं किया उसको, जैसे चंद्रशेखर जी ने अर्न किया जी। इन्होंने अर्न नहीं किया, इनके ऊपर थोपा गया, अब वो थोपा हुआ एक पान के घूम रहे हैं, जब तक उस पद पर हैं तब तक बहुत इज्जत है, उसके बाद कौन पूछेगा। जहाँ तक आपने विजन की बात की, तो विजन के लिए मुझे लगता है कि कुछ तो पढ़ा लिखा होना चाहिए जी जी। तो अभी तो लोग अपनी डिग्रियां छुपाते चल रहे हैं कहीं हमारी डिग्री का पता ना चल जाए, हैं? अरे भाई डिग्री है तो दिखाओ ना, दुनिया छुपाने की क्या बात है। लेकिन हम उस स्टेज में हैं जहां पर कि हम डिग्री छुपाते हैं इस समय करंट पॉलिटिक्स में। 80 साल की उम्र के बाद, पार करने के बाद जेल जाने वाले शायद ये नेता, क्योंकि अन्ना भी इनसे छोटे हैं उस उम्र में, तो जेल वो 2-4-5 दिन के लिए जब भी गए हों, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार देश का ऐसा राष्ट्र नेता जो 80 के बाद भी इस देश के लिए फिर जेल जाने को तैयार फिर से बैठा हुआ है। एक बात यशवंत जी के बारे में और आपको बता दूँ, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत लोग रहते हैं, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, ये व्यक्ति वो थे, इनको शायद 4-5 साल का टाइम मिला था जब ये वित्त मंत्री थे, तो इन्होंने जो शाम को बजट होता था, क्योंकि वो सूट करता था हमारे आकाओं को वहाँ लंदन में अंग्रेज़ों को, इन्होंने उस टाइम को चेंज करके जो हमारे यहाँ बजट का टाइम है वो इन्होंने चेंज किया था। ये मैं इसलिए सर बता रहा हूँ,
ये बहुत से बच्चों को नहीं पता है। दूसरी एक बात जो आज एक हम लोग आंख मूंद करके जाते हैं, इतने हाउसिंग लोन लिए जा रहे हैं उसमें एक सेक्शन 24 होता है, वो टैक्स आपको उससे रिबेट मिलती है जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं हाउसिंग लोन पे, वो इनका कंट्रीब्यूशन है। और एक और लोन जो बच्चों का स्टूडेंट लोन था वो भी आपने ही कहीं सोचा। और जब मैं जब विजन की बात करता हूं तो मैं इस विजन की बात करता हूं क्योंकि अगर पढ़ा लिखा आदमी आएगा तो शायद उसको ये समस्याएं पता है। स्टूडेंट लोन को इंट्रोड्यूस करने वाले इस देश में यशवंत सिन्हा जी थे। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत जी। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए।